हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, उसका कुछ डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ सेकंड चैप्टर में जो पढ़ाया था मैंने आपको बहुपद, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बहुपद में हमने पढ़ा था तीन चीज़ें, मानक रूप पढ़े थे ये, कुछ ऐसा था बहुपद, तीन पद पढ़े थे जिसकी घात, जहाँ घात एक हो उसको हमने रेखीय बहुपद नाम दिया था, जिसको एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। और जहाँ x की घात मैक्सिमम घात दो थी उसको हमने द्विघात बहुपद बोला था, और जहाँ x की घात सबसे मैक्सिमम घात तीन थी उसको हमने त्रिघात बहुपद बोला था। ये मैं कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सेकंड चैप्टर का, जो हमने पहले पढ़ा था जिसका नाम था बहुपद। अब ये जो चैप्टर 4 हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था उसका मानक रूप ये था, उसको जब बराबर जीरो के बराबर रख देते हैं, बहुपद को जीरो के बराबर रखने पर उसका द्विघात समीकरण बन जाती है। यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। इसमें इसका मानक रूप ये होता है जिसको मानक रूप बोलते हैं, और इसमें ए का मान जीरो के बराबर कभी नहीं होता, क्योंकि अगर ए का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होने के बाद ये वापस रेखीय बहुपद आ जाएगा एक घात वाला। और चूंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमें द्विघात वाला बहुपद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ए का मान जीरो कभी नहीं होगा। इस चैप्टर में हम दो तीन टाइप के सवाल पढ़ेंगे। पहला, इस समीकरण के मूल ज्ञात करना, जो मेन टाइप में है उसके सबसे पहले मूल ज्ञात करना, और सेकंड वाला है विविक्त कर, आपके चैप्टर में नाम आया है विविक्त कर ज्ञात करना, और विविक्त कर ज्ञात करने के बाद मूल ज्ञात करना। मेनली ये दो टाइप के सवाल हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं इस समीकरण का, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं जी। देखिए एग्जांपल नंबर एक, उसका पहले वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। इसमें द्विघात समीकरण हमें बनानी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना दूंगा अभी, ठीक है? मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सवाल है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी कंचों की संख्या पूछ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम एक समीकरण बनाते हैं, द्विघात समीकरण। तो इसमें मान लेते हैं, जैसे माना कि जॉन के पास, एग्जांपल नंबर एक है, जॉन के पास कंचों की संख्या हम मान लेते हैं 4x है। ये मानने वाला कंसेप्ट हमने तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा था, आपको ज्ञात होगा। और उसके बाद जीवंती के कंचों, जीवंती के पास कंचों की संख्या 4, चूंकि आप सवाल में देखोगे तो इसमें कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचों की संख्या है 45। जब कुल कंचों की संख्या 45 है तो वो इन दोनों में बटेगा। जब हमने एक का मान लिया एक्स तो दूसरे का इसमें से घटकर जो आएगा वही मान आएगा। तो टोटल में से अगर मैं जोन के कंचे माइनस कर दूं तो वो जीवंती के कंचे आ जाएंगे। दोनों के कंचे आ गए, उसके बाद हमें बोल रहा है कि दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं, यानी सेकेंड कंडीशन हमें बोल रहा है, उसके जस्ट आगे वाली कंडीशन कि दोनों जब पाँच कंचे खो देते हैं तब नई कंडीशन क्या बनती है। पांच कंचे, इसके पास एक्स कंचे थे, एक्स कंचों में से उसने पांच कंचे खो दिए, यानी एक्स में से पांच कंचे बचे, तो जॉन के पास कंचों की संख्या, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, एक्स माइनस पांच, एक्स कंचे थे उसमें से पांच कंचे उसने खो दिए तो एक्स माइनस पांच कंचे बचे, और जीवंती के पास कंचों की संख्या भी वापस आएगी क्योंकि पांच कंचे खोने के बाद, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या
कितनी हो जाएगी? जयंती के पास कंचे ये थे, इनमें से क्योंकि पांच कंचे खो देगी तो पांच माइनस कर देंगे, टोटल में से पांच माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 45 माइनस एक्स और ये माइनस पाँच। इस पाँच को 45 के पास में लाएंगे और ये एक्स नहीं लिखा हुआ है, 45 में से पाँच गए तो 40, यानी इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 40 माइनस एक्स कंचे जयंती के पास बचे। ये नई कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है सवाल में कि पांच कंचे खोने के बाद कितने कंचे बचते हैं, तो जॉन के पास एक्स माइनस पाँच कंचे बचते हैं और जयंती के पास 40 माइनस एक्स कंचे बचते हैं। अब आगे वाली कंडीशन जो सवाल में बोल रहा है कि इन दोनों के पास जो बचे हुए कंचे हैं उन दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 124, तो उसको करते हैं आगे। दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ है, जॉन के कंचों का गुणनफल यानी जॉन के कंचे और जयंती के कंचे दोनों का गुणनफल, यानी दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणनफल, इनको गुणा करने पर जो मान आएगा वो हमें दिया हुआ है 124। अब इससे द्विघात समीकरण बन जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, इनका आपस में गुणा कैसे करेंगे, ये एक्स इससे पूरे से गुणा होगा, ये माइनस पाँच भी इससे पूरे से गुणा होगा, तो इसको मैं खोल के लिख देता हूँ। इस एक्स के पास में सबसे पहले ये वाली पूरी टर्म लिख देता हूँ और माइनस पाँच है इसके पास में ये वाली पूरी टर्म लिख देता हूँ और बराबर 124 चली रहा है। अब ये अंदर जाके गुणा हो जाएगा तो ये एक्स 40 से गुणा होगा तो 40x, और यही एक्स यहाँ जाके गुणा होगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर। ये माइनस पाँच जब अंदर गुणा होगा तो यहाँ आएगा माइनस पाँच का 20 यानी 200, और यही माइनस पाँच जब माइनस एक्स से गुणा होगा तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और पाँच जब एक्स से गुणा होगा तो 5x और बराबर में 124। यहाँ देखिए हमें द्विघात समीकरण बनानी है और द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने देखा था ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आनी चाहिए, उसके बाद एक्स की टर्म, उसके बाद जो अचर पद है वो आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की टर्म कौन सी है? माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली सबसे पहले आगे आएगी, उसके बाद जो भी एक्स की टर्म है उसको पास में लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरी वाली एक्स की टर्म है, तो 40x और 45x को पास में लाना पड़ेगा, तो 40x और 5x, उसके बाद ये माइनस 200। चूँकि द्विघात समीकरण बनानी है तो बराबर में 0 लाना पड़ेगा, तो 124 के इधर लाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। 124 को इधर लाएंगे, ये प्लस का है, जो इधर आएगा बराबर के तो माइनस के 124 हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 45x 40x प्लस 5x 45x हो गए, और माइनस जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 2 और ये 2 और 1 3 माइनस में जुड़ेंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ेंगे और आगे माइनस लग जाएगा बराबर में 0। और चूँकि द्विघात समीकरण में कभी भी जो सबसे बड़ा द्विघात है x का जो स्क्वायर वो आगे माइनस नहीं होता है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, यानी सबसे बड़ी घात का पद माइनस में नहीं होता है तो इसको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो इस समीकरण को, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करने पर माइनस एक कर दीजिए, माइनस एक से गुणा कर दो, माइनस एक से इस पूरी समीकरण को गुणा करो, बराबर 0। देखिए ये माइनस एक इससे गुणा होगा तो ये माइनस और माइनस प्लस, और चूंकि एक इससे गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक यहाँ गुणा होगा तो माइनस माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे गुणा होकर, और माइनस एक जब इससे गुणा होगा तो 45 ही आएगा, 45। यही माइनस एक जब इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और एक जब इससे गुणा होगा तो 324 ही आएंगे बराबर, और माइनस एक तो 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा। ये हमारे द्विघात समीकरण का फॉर्म था जो हमें पहले फॉर्म में चाहिए था, ये सबसे बेसिक है। अब यहाँ से जॉन और जयंती के कंचों की संख्या निकालेंगे तो इसके गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे तो वो मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण आ गए, उसके बाद हमें जॉन और जयंती के कंचों की संख्या पूछ रहा है, यानी एक्स का मान पूछ रहा है, सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे, ये तो समीकरण आई, यहाँ से अब एक्स का मान निकालना पड़ेगा अभी, तो इस समीकरण को इस समीकरण में मैंने आपको बताया था x के आगे जो भी पद है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, तो x के आगे वाला मान और जो लास्ट वाला c का मान है यानी ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में ए और सी का गुणनफल ये किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाला पद जो बी है उसके बराबर कैसे आएगा, देखिए जोड़ने या घटाने पर इनका गुणनफल बी का पद जो है ना उसको जोड़ या घटाने पर वापस बी की जगह रखेंगे ए और सी का गुणनफल। ये मैंने आपको रफ कार्य के लिए बताया, इसको क्लियर में नहीं करना है। देखिए इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये वापस रफ कार्य करा रहा हूँ ना, एक इंटू 324 कितना आता है 324। जब इसके गुणनखंड करेंगे हम 324 के अभाज्य गुणनखंड कर लो ताकि इससे 45 को तोड़ने में हमें आसानी होगी, तो 2, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 2 4। उसके बाद है गुणनखंड बिल्कुल सही से करना वरना सवाल पूरा गलत हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2। उसके बाद 3 का लगा के देखो, 3 2 6 2 बज गए 3 7 21। उसके बाद 3 का लगाओ, 3 9 27, ये आगे गुणनखंड। अब देखो 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36 यहाँ तक आ रहे हैं हमारे 36 और इनको गुणा करने पर आ रहे हैं 9। तो हमें ये लेके आना है वो भी माइनस का, तो मैं अगर माइनस 36 और माइनस 9 रखूँ तो इन दोनों का योग 45 के बराबर आ रहा है, जोड़ के देख लो 36 और 9 कितने होते हैं 45, कैसे आएगा, हाँ 36 और 9 45 होते हैं, कैसे आएगा देखो, दोनों अगर माइनस का रखूँगा यहाँ पे तो वापस देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x, इसको तोड़ रहा हूँ माइनस का 9x और ये 324 तो इधर चल ही रहा है। इन दोनों को जब वापस ये भी माइनस में दोनों माइनस माइनस में जुड़ेंगे आगे माइनस लग जाएगा 45x वापस आ गया, मतलब ये तो टूट गया इस फॉर्म में। अब देखो यहाँ से हमारा गुणनखंड करने में आसानी होगी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स तो कॉमन आ रहा है उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, मतलब एक्स स्क्वायर था यानी 2x थे उनमें से 1x बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1x, यहाँ से x पूरा बाहर चला गया मतलब मैं केवल 36 बचे, तो माइनस के 36। यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन लूँगी, यही पद वापस यहाँ आए, तो यहाँ माइनस का अगर 9 मैं कॉमन लूँ माइनस का 9 तो अंदर बचता है, क्योंकि ये माइनस का था तो अंदर तो x ही बचेगा, माइनस का x था अंदर जाके ये माइनस बाहर ले लिया, जब माइनस अंदर गुणा करूँगा तो माइनस होगा वरना प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर ले लिया इसका मतलब यहाँ वापस माइनस हो जाएगा, और 9 बाहर लिया तो 9 का भाग लगाएंगे, 9 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कॉमन कितनी बार जाएगा 36 बार बराबर 0। ये हमने कॉमन लेके टुकड़े कर दिए इनकी। उसके बाद देखिए अब इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 36, तो x माइनस 36 में कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 9 बराबर 0। यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या मान आया, एक तो आया x माइनस 36 बराबर 0 और एक आया x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से x का मान आया 36 और यहाँ से x का मान आया 9, क्योंकि दोनों पॉजिटिव मान आए हैं इसलिए हमें दोनों को लेना पड़ेगा। तो जैसे पहले कंडीशन में मान के चलूँ, यदि हमने जॉन का माना था, यदि पहली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन x का मान अगर मैं 36 देता हूँ तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी आ गई, क्योंकि जॉन को हमने x माना था तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी जो x मान थी, और x का मान कितना है 36 यानी 36 आ जाएगी। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या थी 45 माइनस x थी, यानी x का मान 36 आया था, तो 45 x की जगह 36 रखूंगा, जब इनमें से घटाऊंगा तो 4 9 बचे, ये 9 जीवंती के पास। ये रही हमारी फर्स्ट कंडीशन जब x का मान मैं 36 ले रहा हूँ, यदि इधर मैं करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव तो दोनों लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन, यदि मैं x का मान 9 लेता हूँ तो जॉन के पास, अब जॉन के पास कितने हो गए, जॉन के पास कंचे, क्योंकि मैंने x माना था और x का मान यहाँ कितना है तो 9, तो जॉन के पास अब 9 हो गई क्योंकि सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या माना था 45 माइनस x, टोटल में से माइनस किया था, x का मान यहाँ मैं 9 ले रहा हूँ तो 45 माइनस 9, जब इसमें से घटाऊंगा तो 9 10 11 12 13 14 15 और सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ, यदि x का मान 9 तो जॉन के पास 9 मान रहे हैं तो जीवंती के पास 36 आ जाएंगे। ये आपके पूरा सवाल है जो इस पर बेस्ड है। इसमें हमने दो चीज़ें सीखी, द्विघात समीकरण बनाना और उसके बाद जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे थे उनको गुणनखंड विधि द्वारा इनको हल करके इस द्विघात समीकरण को x के मान निकालना, ये पूरा सवाल है।